हे दिस इज केतन अग्रवाल, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों में से कई सारे लोग इस वक्त ट्राइडेंट जैसे शेयर में फंसे हुए होंगे या तो वेल्सपन इंडिया जैसे शेयर में फंसे हुए होंगे। तो इस वक्त इन सारी कंपनीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेवी फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछले एक साल के अंदर अंदर करीब करीब 30-40% का फॉल आ चुका है इन कंपनीज के शेयर के अंदर। तो इसका कारण क्या है एंड किस वजह से इस प्रकार का हमें फॉल देखने को मिल रहा है इन सारी कंपनीज के अंदर, एंड आगे अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अब हमें अपना पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए या फिर हमें एग्जिट करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। आपको मैं ये बताऊँगा कि क्यों इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर में हमें फॉल देखने को मिल रहा है एंड आगे हमें क्या स्ट्रेटजी के साथ चलना है, आगे हमें क्या करना होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्राइडेंट के शेयर में, जो कि अपने एरिया की मार्केट लीडर है, जो कि यार्न मैन्युफैक्चर करती है एंड उनका रिटेल मार्केट में भी अच्छा बिजनेस है। टेक्सटाइल बेडशीट वगैरह बनाती है, टॉवल वगैरह बनाती है। तो उनका पिछले 6 महीने में 24% का फॉल आया है शेयर के अंदर, पिछले एक साल के अंदर 34% का फॉल आया है। उसी प्रकार वेल्सपन इंडिया का आप शेयर में देख सकते हैं, जो कि अगेन सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है, उनके शेयर में भी पिछले 6 महीने के अंदर तो हमें गेन देखने को मिला, बट एक साल के अंदर देखोगे तो 47% का फॉल देखने को मिला, जो कि काफ़ी बड़ा फॉल है। एंड उसी प्रकार और एक सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है, इसका नाम है लग्नांश फिनटेक, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी, काफ़ी छोटी कंपनी है। इस कंपनी में भी पिछले एक साल के अंदर हमें 5% का फॉल देखने को मिला। तो यानी कि जो भी गेन कंपनी ने किया था एक साल के अंदर, सारा का सारा वापस नीचे गिर चुका है। तो क्या कारण है इन कंपनीज के अंदर फॉल आ रहा है इस वक्त, क्या लॉजिक है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता तो हो सकता है कि ट्राइडेंट गिरता, लेकिन वेल्सपन इंडिया नहीं गिरता, लग्नाम नहीं गिरता, या तो फिर हो सकता है कि ट्राइडेंट ऊपर जाता, वेल्सपन इंडिया गिरता, लग्नाम भी ऊपर जाता, कोई एक कंपनी गिरता। बट अगर सारे के सारे कंपनीज इंडस्ट्री के अंदर गिरने लग रहे हैं, शेयर के अंदर फॉल आ रहा है, यानी कि उस पूरे इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, ना तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है। एंड इंडस्ट्री का अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है हमें वो देखना होगा। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम को सर्च करना है। तो यहाँ पे अगर आप screener.com में ट्राइडेंट का शेयर ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइडेंट का शेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स में जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट के अंदर ही आपको इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो ट्राइडेंट का क्वार्टर रिजल्ट्स देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सितंबर क्वार्टर में, सितंबर 2021 में आप देखिए कितना अच्छा कंपनी का रेवेन्यू था, 1692 करोड़ का था, जो कि थोड़ा सा घट के हो गया 1438 करोड़, जो कि ज़्यादा कम नहीं, ठीक है चलेगा इतना। बट यहाँ पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे आपको बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर बड़ा फॉल आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल सितंबर में 24% का मार्जिन था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि घट के हो गया 10%। इसका कारण क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर घट गया तो क्यों घट गया? इसका मतलब यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये है कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गया होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्स्टेंटली ट्राइडेंट का अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लंबे समय से 2019 से 22 के बीच में आप देखें 19%, 13%, 15%, 16%, 20, 19, 18, 26, 24, तो एक रेंज के ऊपर है, 15% के ऊपर ही हमेशा ज़्यादातर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है, जो कि घट के हो गया 10%। उसी प्रकार अगर आप वेल्सपन इंडिया का देखोगे तो यहाँ पे भी सितंबर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 409 करोड़, जो कि घट के हो गया 128 करोड़। एंड यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 21, 13, 15, 18, 19, 15, 20, 16, 12, 10, 7, 6, तो यहाँ पे भी आप देखिए कंपनी का कैसे एकदम अचानक से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। एंड सेम चीज आपको लग्नाम में भी नजर आएगा, यहाँ ये थोड़ी सी छोटी कंपनी, तो यहाँ पे भी आप देखिए 16% का मार्जिन था, यहाँ पे पहले 8% का था, 16, 19, 17, 15, 19, 14, 16, एंड घट के हो गया वो डायरेक्ट 8%। तो हर एक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो गया, एंड इस वजह से कंपनी का हमें शेयर के अंदर फॉल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रॉ मटेरियल का प्राइस में क्या हुआ है, ऐसा क्या चेंजेस अचानक से आया? तो यहाँ पे इसका जवाब आपको मिलेगा investing.com में। तो आपको क्या करना है, investing.com में जाना है। तो investing.com में जाके आपको कॉटन का कॉमोडिटी प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे जाइए, कॉटन लिखे, यहाँ पे आपको आ जाएगा कॉटन लिखे, तो यहाँ पे देखिए US, यानी कि US का कॉटन का प्राइस, यानी कि एक टाइप का ग्लोबल मार्केट प्राइस पता चल जाता है, उससे आइडिया आ जाता है कि कॉटन के अंदर क्या चल रहा है।
तो यहाँ पे आप जब कॉटन का चार्ट को देखोगे तब आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा क्यों हमें टेक्सटाइल कंपनी के शेयर के अंदर इस वक्त फॉल देखने को मिल रहा है, क्यों वहाँ पे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं मंथ कैंडल ओपन कर लेता हूँ, यानी कि एक महीने में एक कैंडल फॉर्म होता है आप समझ लेना। जैसे कि सपोज ये इस बार करेंट मंथ में नवंबर मंथ में ये कैंडल फॉर्म हुआ है, उससे पहले ये कैंडल फॉर्म हुआ था अक्टूबर में, देन सितंबर में, अगस्त में, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से देखना इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तब तो आपको समझ में आएगा क्यों टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर फॉल आया है। तो यहाँ पे अगर आप कॉटन प्राइस को एग्जामिन करोगे, थोड़ा क्लोजली देखोगे, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि कॉटन का प्राइस पास्ट में पिछले एक दो क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉटन का प्राइस बता रहा है 86, एंड इससे पहले 86 प्राइस कब था, तो ये था करीब करीब जुलाई 2021 में। तो जुलाई 2021 के बाद से कॉटन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा सूटअप हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, एंड उसके बाद जुलाई के बाद डायरेक्ट अभी नवंबर 2022 में हमें वापस 86 का प्राइस देखने को मिला है। उसके बीच में कॉटन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉटन का प्राइस था अप्रैल 2022 में ऑलमोस्ट बढ़ के लाइक 150 चला गया था, एंड उसके बाद और भी हाई चला गया था, 155 तक चला गया था जुलाई, सॉरी अप्रैल एंड मई के मंथ में, एंड उसके बाद से थोड़ा सा प्राइस के अंदर फॉल हमें देखने को मिला था जून में, एंड जुलाई में भी फॉल देखने को मिला, अगेन थोड़ा यहाँ पे आप अगस्त में देखेंगे तो ऊपर बढ़ गया था, करीब 120 तक चला गया था। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली किस तरह से कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया था, यानी कॉटन का प्राइस बढ़ गया था, उस वजह से कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा पड़ रहा था। तो इस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट हुआ, एंड इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इफेक्ट हुआ, एंड उसकी वजह से कंपनी के शेयर के अंदर हमें फॉल देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद से हमें थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है अभी एट करेंट फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। तो यहाँ पे आप देखिए जून के बाद से जुलाई वाले क्वार्टर से जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने में कॉटन का प्राइस काफ़ी हाई था, एंड ऑब्वियसली Q2 की परफॉर्मेंस में हो सकता है कि कंपनी ने जून में भी कुछ कॉटन खरीदा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून में भी कॉटन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था। इसकी वजह से हमें Q2 के रिजल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है कंपनी का, बट क्योंकि अब कॉटन का प्राइस ऑलरेडी गिर चुका है तो हो सकता है कि Q3 एंड Q4 में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इन सारे टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर, चाहे वो ट्राइडेंट हो, चाहे वो वेल्सपन इंडिया हो, चाहे वो लगनाम स्पिनटेक्स हो। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है मेरे राय में, जो भी फॉल होना था वो हो चुका है शेयर के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप ट्राइडेंट का शेयर को देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए ट्राइडेंट का शेयर यहाँ पे 31 में ओपन हुआ था जो कि अभी 35 में है, तो आज अच्छा खासा फॉल हुआ था क्योंकि पुअर रिजल्ट आया था, बट यहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी भी हो गया है, तो ये हम मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज लगता है, क्योंकि देखो जो भी फॉल होना था ऑलरेडी हो चुका है, तो क्योंकि कॉमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ रहा था एंड वो बात सबको पता था कि पुअर रिजल्ट आ सकता है, उसकी वजह से फॉल पहले ही हो गया, शेयर के अंदर बिल्कुल राइस नहीं आ रहा था, बट अब कॉमोडिटीज़ का प्राइस फॉल हो चुका है तो आने वाले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ से अब हमें इन कंपनीज के शेयर के अंदर राइस देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि अब ये जो करेंट सिचुएशन है, करेंट पॉइंट ऑफ टाइम, तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है ये सारे के सारे शेयर्स के अंदर, क्योंकि कॉमोडिटी सस्ता हो गया, यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वापस से रिस्टोर हो जाएगा, एंड उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट वापस बढ़ जाएगा, तो कंपनी के शेयर के अंदर वापस से राइस आना चाहिए। तो राइस बाद में नहीं आएगा, राइस पहले से आना स्टार्ट हो जाएगा, Q3 के रिजल्ट से पहले राइस हो चुका होगा जो मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि अब ये अच्छा एंट्री पॉइंट है, जब तक कॉटन प्राइस नहीं पड़ता कम रहता है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है ये वापस से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो जो फॉल होना था वो हो चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि और कोई बड़ा फॉल आने वाला है इस वक्त गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के शेयर में, या तो यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के शेयर के अंदर। तो मेरे राय पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी फंसे हुए हो, तो आप शांति से अपने पोजीशन को बनाए हुए रखें, अपने पोजीशन को होल्ड करें, यहाँ पे सेल करने की, एग्जिट करने की हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। जो भी बुरा टाइम था वो जा चुका है, अब पॉजिटिव चीज़ें आने लगी है मार्केट में, वापस से प्राइसेस कम होने लगे हैं, इन्फ्लेशन भी फॉल होने लगा है, तो मुझे लगता है कि जनरल इकोनॉमिक कंडीशन भी इस वक्त इंडिया का सुधरता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जिट करना बिल्कुल भी एक अच्छा डिसीजन होगा इस वक्त। अपने पोजिशन को शांति से होल्ड करें, एंड अगर आप फ्रेश बाय करने के बारे में सोच रहे हो बट घबरा रहे हो, तो मुझे लगता है कि इस वक्त एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है सारे के सारे कंपनीज में, चाहे वो वेल्सपन इंडिया हो, चाहे वो ट्राइडेंट हो, चाहे वो लगनाम स्पिनटेक्स हो।
तो मुझे लगता है कि इस वक्त अच्छे प्राइसेस अवेलेबल है एंटर करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप पोजीशन बना सकते हो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर। बट ध्यान रखें, आपको अपनी एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। मेरा बात सुनकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी भी ना लें। अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगे, लॉजिक आपको करेक्ट लगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, या फिर बिल्कुल ना करें। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले लें, या तो फिर एक बार और सोचें किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है इस कंपनीज के अंदर इस वक्त, ये क्यों फॉल आ रहा है एंड आगे आपको क्या करना है। तो इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना एंड कृपया करके बेल आइकन को दबा देना। मैं इस चैनल पर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और भी बहुत सारी कंपनीज का लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, एंजॉय, फिर मिलेंगे।